हेलो व्यूअर्स, मैं सोनल सोनल बंगाली किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों को जब भी कुछ नया खाने का मन करे यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए सोनल बंगाली किचन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरे सारे नए रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए दही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है और झटपट बनती है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, यहाँ पे 1.5 किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है, आप लोग कम ज़्यादा लिख सकते हो। तो इसके साथ लिया है मैंने दही, 400 ग्राम दही है। इसका पानी मैंने छान लिया है अच्छे से। 4 बड़े साइज के प्याज लिया है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 प्याज लिया है, उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और सूखा मसाला में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक। और खड़े मसाले में मैंने लिया है 5 इलायची, कुछ काली मिर्च, 3-4 लौंग, 4-5 तेज पत्ता और 2 दालचीनी का टुकड़ा। और मैं रिफाइंड में बनाऊंगी, आप लोग सरसों का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो प्याज है उसको बेरस्ता बना लेंगे। तो गैस में कढ़ाई रख देती हूँ। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, अब इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। इसमें अभी प्याज को डाल देंगे इस तरह से और इसे फ्राई कर लूँगी जब तक प्याज गोल्डन कलर का हो जाए। तो देखिए हल्का कलर आ रहा है इसमें। अभी इसी टाइम पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे और थोड़ा और फ्राई कर लेती हूँ। इसे प्याज झट से काला हो जाती है, तो इसी तरह से लो फ्लेम में इसे भी थोड़ा और फ्राई करूँगी और इसे निकाल के अभी ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज बेरस्ता रेडी है हमारा। अब इसे साइड में रखती हूँ और एक बड़ा सा पतीला ले लेती हूँ। अब इसमें चिकन को ट्रांसफ़र करेंगे तो मैरिनेट करने में आसानी होगी। चिकन ले लिया हमने, अब इसमें दही को डाल देंगे इस तरह से। दही में पानी नहीं रहना चाहिए, इसका पानी अच्छे से छान लिया है हमने। और इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी इसमें। और जो हमारा प्याज बेरस्ता है उसे ले लेती हूँ हाथ में और इस तरह से हाथ से इसको क्रश कर लेती हूँ। आप लोग चाहे तो मिक्सी में भी घुमा सकते हो, लेकिन ये ठंडा होने के बाद वैसे ही क्रिस्पी हो जाती है, तो हाथ से करने से हो जाती है। तो इस तरह से मैं हाथ से इसे रफली तोड़ लेती हूँ और चिकन में डाल दूंगी इस तरह से। तो देखिए अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूंगी। अभी तो देखिए मैरिनेट हो गया, अब 1 घंटे के लिए इसे कवर कर देती हूँ। तो 1 घंटा हो गया, हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया। अभी गैस में कढ़ाई रखती हूँ फिर से, जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसी तेल में बनाएंगे। तो पहले इलायची डाल दूंगी इस तरह से और दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च और लौंग, तेज पत्ता को हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से डाल दिया, अभी अच्छा खुशबू आ रही है। इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूंगी इस तरह से, थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक और 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। अब इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ और तेज पत्ता भी डाल दिया हमने अभी। तो इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। देखिए फ्राई हो गया ये। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि सूखा मसाला ऐड करूँगी तो मसाला जल जाएगी। तो सबसे पहले डालेंगे 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, हल्दी और 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अभी मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी नहीं तो मसाला जल जाएगी। इस तरह से मसाला हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। 1 घंटा मैरिनेट करके रखा था तो चिकन हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो गया। तो अभी इस तरह से अभी मसाला के साथ इसको मिला लेती हूँ और इसे कवर करके बीच बीच में इसको हिलाएंगे। अभी 5 मिनट के लिए इसको कवर करती हूँ। तो इस तरह से कवर कर दिया हमने। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा पानी डाला था हमने मसाला फ्राई करते समय और बाकी पानी चिकन से ही आई है, तो दही से मैरिनेट किया था तो इसी से पानी निकला है। तो अभी इसे और थोड़ा कवर करके फिर से पकाएंगे 10 मिनट बाद, फिर देखती हूँ। देखिए 10 मिनट हो गया,
अभी फिर से इसको देखती हूँ, बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। अब इसमें पानी ऐड करूँगी, मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ यहाँ पे। आप लोग चाहे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी होने से टेस्ट ख़राब हो जाएगा दही चिकन का। इस तरह से अभी हरी मिर्ची डाल देंगे इसके ऊपर और मीडियम फ्लेम में कवर करके 10 मिनट और पकाऊंगी। वैसे चिकन हमारा बॉयल हो गया, अच्छा खुशबू आ रही है हमारा दही चिकन से। अब इसे कवर कर देती हूँ। देखिए 10 मिनट हो गया, अभी हमारा जो चिकन है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बन के तैयार है हमारा दही चिकन। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। आप लोगों को शायद देख के पता चल रही है ये खाने में कितना टेस्टी बनी होगी। तो इस तरह से अभी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो रेडी हो गया हमारा दही चिकन। अभी इसमें थोड़ा सा प्याज बेरस्ता से गार्निश कर देती हूँ। इस तरह से देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी टेस्टी होगी। तो इस तरह से रेडी हो गया हमारा दही चिकन। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छे लगने से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे अच्छी लगती है। दही चिकन आप रोटी पराठा नान चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।